वेलकम स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर ममता चौधरी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जे डी बी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पैथोजन अटैक एंड डिफेंस मैकेनिज़म का पार्ट वन जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल डिफेंस और उसमें हमने पढ़ा था प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस ये पार्ट टू है इसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट इंड्यूस्ड डिफेंस स्ट्रक्चर यानी इंड्यूस्ड डिफेंस स्ट्रक्चर्स कब उत्पन्न होंगे पौधे में जब पैथोजन होस्ट में एंट्री कर लेता है तो उसके एंट्री करने के बाद होस्ट प्लांट में कौन कौन से संरचनात्मक परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड डिफेंस स्ट्रक्चर में post-infectional or induced structural defense mechanism. most pathogens manage to penetrate their host through wounds and natural opening and to produce various degree of infection. pathogen penetration through the host surface induce the structural defense mechanism in the host cells. these may be regarded as histological defense barriers like layer, abscession layer and tylosis formation. सेकेंड सेलुलर डिफेंस स्ट्रक्चर लाइक हाइफल शीथिंग तो जब पैथोजन होस्ट में एंट्री कर लेता है उसके बाद पौधे में कौन कौन से संरचनात्मक परिवर्तन आएंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे पैथोजन जो है जब एंट्री कर लेता है होस्ट प्लांट के अंदर तो उसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं अगर हिस्टोलॉजिकल डिफेंस बैरियर्स की बात करें कि पौधों पौधों में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके द्वारा उसके जो टिश्यूज़ हैं उनमें किस तरह से डिफेंस मैकेनिज़म उत्पन्न होती है यानी पौधा क्या बनाना शुरू कर देगा जैसे कॉर्क लेयर्स बनाना शुरू कर देगा इसके अलावा एप्सीशन लेयर्स बनाना शुरू कर देगा और जो जाइलम पैरनकाइमा है उसमें वो डायलोसिस का निर्माण बना निर्माण करना शुरू कर देती है दूसरा है सेल सेल पर्टिकुलर सेल जो है उसमें क्या डिफेंस स्ट्रक्चर उत्पन्न होगा हाइफल शीथिंग बनना शुरू हो जाएगी तो हिस्टोलॉजिकल डिफेंस स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉर्क लेयर इन्फेक्शन बाय फंजाई बैक्टीरिया सम वायरसेस एंड निम्यूटोड इंड्यूस प्लांट्स टू तो फॉर्म सेवरल लेयर्स ऑफ कॉक सेल्स बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन तो जब किसी पैथोजन का जैसे फंजाई का बैक्टीरिया वायरस या निमेटोड्स का होस्ट प्लांट में इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन वाले स्थान पर कई सारी लेयर्स बनने लग जाती हैं कॉर्क सेल्स की ये कॉर्क सेल्स पौधे को एक तरह से पैथोजन से रक्षा करती हैं दिस काक सेल्स इनहिबिट्स द फर्दर इन्वेजन बाय द पैथोजन बियॉन्ड द इनिशियल लीजन एंड ऑल्सो ब्लॉक्स द स्प्रेड ऑफ टॉक्सिन सब्सटांसेज सिक्रेटिड बाई द पैथोजन तो जैसे ही इन्फेक्शन वाले पॉइंट पर काक्सेल्स बनेंगी, ये काकसेल्स पैथोजन का आगे प्रवेश रोक देती हैं और पैथोजन जो टॉक्सिन सिक्रेट करता है उसको भी ब्लॉक कर देती हैं कॉक सेल्स और रोक देती हैं इट ऑल्सो स्टॉप द फ्लो ऑफ न्यूट्रियट्स एंड वाटर फ्रॉम द हेल्दी टू द इन्फेक्टेड एरिया एंड डिप्राइव द पैथोजन ऑफ नरिशमेंट इसके अलावा ये कॉक्सेल्स जो न्यूट्रियट्स का भी जो प्रवाह है न्यूट्रियट्स का और जल का जो प्रवाह है उसको भी रोक देती हैं कहाँ से हेल्दी टिश्यू से डिजीज टिश्यू की ओर तो जिससे पैथोजन को नरिशमेंट नहीं मिल पाता और पैथोजन की ग्रोथ वहीं रुक रुक जाती है तो इस तरह से जो कॉक लेयर्स हैं वो पैथोजन की एंट्री को रोक देती हैं और उसके न्यूट्रिशन को रोक देती हैं तो इसमें आप देख रहे हो जैसे पैथोजन ने एंट्री की तो कई सारी ये कॉक लेयर्स बन गई हैं ये जो कॉर्कलेयर्स लेयर्स हैं ये आगे पैथोजन की एंट्री को नहीं होने देती और यहाँ पे जो पैथोजन है वो है राइजोक्टोनिया फंग, फंगस सेकंड जो लेयर है वो होती है एप्सीशन लेयर जो कि पैथोजन की एंट्री को रोकती है एंड एप्सीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ ए गैप फॉर्म बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी सेल्स ऑफ लीव सराउंडिंग द लोकस ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू द डिसंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेमिला ऑफ पेरेंक्राइमेटिस टिश्यू ग्रेजुअली इन्फेक्टेड एरिया श्रीवल्स डाइज एंड स्लग ऑफ्स कैरिंग विदिन विदिट द पैथोजन एप्सीशन लेयर्स आर फॉर्मड ऑन यंग एक्टिव लीव्स ऑफ स्टोन फ्रूट्स इन्फेक्टेड बाई फंजाई बैक्टीरिया एंड वायरसेस एप्सीशन लेयर या विलगन स्तर ये जो एप्सीशन लेयर है ये बनता है इन्फेक्टेड और हेल्दी सेल्स के बीच में जो कि इन्फेक्शन वाले स्थान को घेरे रहता है तो जहाँ इन्फेक्शन होता है वहीं पर एक स्पेशल लेयर बनती है जिसको बोलते हैं एप्सिशन लेयर इस एप्सिशन लेयर के निर्माण के कारण जो भी इन्फेक्टेड एरिया है वो सिकुड़ जाएगा और डेड हो जाएगा और गिर जाएगा और उस इन्फेक्टेड एरिया के डैड हो के गिरने से जो इन्फेक्शन है वो आगे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अलग हो जाएगा इन्फेक्टेड पार्ट तो इसलिए इस तरह से रोग का नियंत्रण एप्सीशन लेयर के द्वारा पौधा कर सकता है तो एप्सीशन लेयर जो है पौधों में वो फंजाई बैक्टीरिया वायरस इनके इन्फेक्शन से बनती हैं तो इसमें आप पिक्चर में देख रहे हो कि जो डार्क जो डिज़ीज एरिया है उसमें ये जो ग्रीन वाला एरिया है वो तो है हेल्दी एरिया और जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है वो है डिज़ीज एरिया तो इन दोनों के बीच में एक लेयर बन रही है इसे कहते हैं एप्सीशन लेयर यहाँ पे एप्सीजन लेयर बनने से ये जो डिज़ीज़ वाला पार्ट है वो टूट कर अलग हो जाएगा और जिससे जो रोग है वो आगे पौधे में नहीं फैल पाएगा तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है टाइलोसिस टाइलोसिस आर द ओवरग्रोथ ऑफ़ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडज लिविंग पेरेंकमेट सेल्स विच प्रोट्रूड इन टू जायलोम वेसल्स थ्रू पेट्स टाइलोसिस हैव सेल्यूलोजिव वॉल्स इट फॉर्म क्विकली अहेड ऑफ द पैथोजन एंड मेक लॉक दायलोम वेसल कम्प्लीटली ब्लॉकिंग द फर्दर एडवांस ऑफ द पैथोजन इन रेजिस्टेंट वेराइटीज़ टाइलोसिस जो क्या है वो अतिवृद्धि है और ये अतिवृद्धि कहाँ बनती हैं पेरनकाइमेट सेल्स यानी इस्पेशली जो जायलम वेसल्स हैं या जायलोम वाहिकाएँ हैं इन जयलोम वाहिका में जो सेल्स होती हैं जायलम पेरनकाइमा की वो सेल्स अतिवृद्धि होकर बनाती हैं टाइलोसिस इन टैलोसिस में सेलुलोजिक वॉल पाई जाती है तो जब ये अतिवृद्धि बन जाती है उसकी वजह से जो जाइलम वैसल है वो ब्लॉक हो जाएगी और उस ब्लॉकेज के कारण जो पैथोजन है वो आगे बढ़ नहीं पाता और डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जाइलम वैसल्स है और जायलोम वैसल में जो जो पैन जो सेल्स हैं वो एक अतिवृद्धि बनाती हैं यानी कि गुब्बारे नुमा संरचना बनाती हैं इसी संरचना को हम कहते हैं टाइलोसिस तो ये जब ये जो गुब्बारे नुमा संरचना साइज में बढ़ जाती है तो ये जायलो वैसल को ब्लॉक कर देगी तो इस ब्लॉक के कारण जो पैथोजन है वो आगे वैसल में एंट्री नहीं कर पाएगा और तो पौधा अपने आप को रोग से बचा पाएगा चौथा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है जो कि पैथोजन की एंट्री के बाद होता है वो है गम डिपोजिशन वेरियस टाइप्स ऑफ गम आर प्रोड्यूसड बाय मैनी प्लांट अराउंड रिजन्स आफ्टर इन्फेक्शन बाय पैथोजन और इंजरी गम सिगरेशन इज मोस्ट कॉमन इन स्टोन फ्रूट ट्रीज बट अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स जनरली दीज गम्स आर एक्स एक्स्यूटेड बाई अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन गमोसिस इज़ द प्रोसेस इन विच गम प्रोड्यूस बाय द प्लांट एंड ट्रीज़ तो पैथोजन की एंट्री के बाद जो पौधा है वो कई तरह के गम्स का निर्माण या गोंद का निर्माण करता है और जो स्टोन फ्रूट्स हैं उनमें गम का निर्माण जो है काफ़ी कॉमन प्रक्रिया है और ये गम का जो निर्माण है ये अक्सर पौधे में स्ट्रेस कंडीशनस में ही होता है तो गम के डिपोज़िशन के द्वारा भी पौधा जो है वो पैथोजन के प्रवेश को रोक देता है नेक्स्ट है बायोकेमिकल चेंजेस कि जब पैथोजन एंट्री करने का प्रयास करता है तो उस एंट्री से पहले पौधे में ऑलरेडी ऐसे कौन कौन से बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होंगे जो पौधे को पैथोजन से बचाएंगे तो वो कहलाएगा प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस और जब पौधा एंट्री कर लेगा जब पौधे में एंट्री कर लेगा पैथोजन यानी पैथोजन पौधे को इन्फेक्ट कर लेगा तो उसके कारण पौधे में कौन कौन से बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे वो हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड बायोकेमिकल डिफेंस में फर्स्ट स्टेप प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस नंबर वन इनहिबिटर्स रिलीज बाय द प्लांट इन इट्स एनवायरमेंट प्लांट एक्सक्यूट सम इनहिबिटरी कंपाउंड्स और इन कंपाउंड्स इन फिलोस्फेयर एंड रेजोस्फेयर तो जैसे ही पैथोजन एंट्री करता है प्लांट में तो प्लांट जो है वो कई इन्हीबिटरी कंपाउंड उत्पन्न करता है कहाँ पे फिलोसफर एंड रॉजोस्फेर फिलोसफर यानी लीफ के सराउंडिंग और राइजोस्फर यानी राइजो यानी रूट रूट के सराउंडिंग यानी पत्ती के चारों ओर और, और जड़ों के चारों ओर कुछ इनिबिटरी कंपाउंड पौधे के द्वारा सिक्रिट किए जाते हैं जिससे पैदोजन की एंट्री को रोका जा सके फॉर एग्ज़ाम्पल रेजिस्टेंस इन रेड स्केल्ड ऑनियन वेराइटी टू स्मच कॉज बाई कॉलेटो सर्सिनेंस इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक्स प्रोटोकैटिचिक एसिड एंड कैटीचॉल। कॉलिटोट्राइकम जो फंगस है वो जब प्याज के पौधे को इन्फेक्ट करने की कोशिश करती है या पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है कॉलिटोट्राइकम फंगस तो जो ऑनियन प्लांट की जो सेल्स हैं वो कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स को सिक्रीट करती हैं जिससे पैथोजन की एंट्री को रोका जा सकता है सेकंड इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल बिफोर इन्फेक्शन पौधों की जो हैं उनमें ऑलरेडी कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो पैथोजन के प्रवेश को या इन्फेक्शन को रोकते हैं ये कंपाउंड कौन कौन से हैं फिनोलिक्स हैं टेरेंस हैं और कुछ फैटी एसिड्स भी हैं कुछ सेपोनिन्स भी होते हैं जो कि इन्फेक्शन को रोकते हैं ये सेपोनिन कौन कौन से हैं जैसे टोमेटिन जो है टोमेटो में पाया जाता है एविनासिन ओट्स में पाया जाता है ये जो दोनों सेपोनिन हैं टोमेटिन एंड एवेसिन इनमें एंटीफंगल एक्टिविटी पाई जाती है यानी ये फंगस के प्रति प्रतिरोधकता या बैरियर के रूप में काम करते हैं इसके अलावा कुछ प्लांट सेल्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ही पाए जाते हैं जैसे ग्लूकानेजिस काइटीनेजिस एंजाइम ये एंजाइम जैसे ही पैथोजन एंट्री करेगा तो ये जो एंजाइम्स हैं ये पैथोजन की सेल वॉल को नष्ट कर देते हैं जिससे पैथोजन मर जाएगा थर्ड डिफेंस थ्रू लैक ऑफ असेंशियल फैक्टर्स लैक ऑफ रिकोगन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन जब पैथोजन होस्ट प्लांट को अटैक करने की कोशिश करता है या इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि होस्ट और पैथोजन में रिकॉग्निशन होए ना अगर दोनों में आपस में एक दूसरे को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते तो इन्फेक्शन नहीं होता ये रिकॉग्निशन फैक्टर्स होते हैं ऑलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स प्रोटीनस या ग्लाइको सेकेंड लैक ऑफ़ होस्ट रेसेप्टर्स एंड सेंसीटिव साइट्स फॉर टॉक्सेंस अगर होस्ट प्लान्ट के अंदर टॉक्सिंस के लिए सेंसिटिव साइट्स नहीं है या होस्ट रेसेप्टर्स की कमी है तो भी प्लान इन्फेक्शन से बच जाएगा थर्ड लैक ऑफ न्यूट्रिय असेंशियल फॉर द पैथोजन प्लान्स विच डू नॉट प्रोड्यूस वन ऑफ द न्यूट्रिय फॉर एग्जाम्पल राइजोक्टोनिया इन्फैक्ट ओनली द प्लान विथ सबस्टांसिस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइफल कुशन तीसरा डिफेंस पौधे में ये हो सकता है कि पौधे के अंदर एक पैथोजन के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हो ही ना अगर होस्ट प्लांट के अंदर पैथोजन के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट नहीं है तो पैथोजन उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा होस्ट प्लांट को जैसे कि राइजोक्टोनिया जो है उसी पौधे में इन्फेक्शन करता है जहाँ पर हाइफल कुशन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ हों सो दिस इज ऑल अबाउट बायोकेमिकल डिफेंस बाय प्री एक्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे Induced biochemical defense. Thank you.